हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जहाँ पर भी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम इनका करेंगे न्यूड मेकअप। तो ये इनके बिफोर के पिक्चर हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनका मेकअप करना। तो मैं यहाँ पर पहले यूज़ कर रही हूँ क्लिनजिंग वाइप। क्लिनजिंग वाइप से हम इनका अच्छे से फेस क्लीन कर लेंगे ताकि जो भी डस्ट वगैरह हैं या जो भी इन्होंने मॉइस्चराइज़र लगाया है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप क्लिनजिंग मिल्क के साथ डबल क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइप से क्लिनजिंग कर ली है। उसके बाद वेट वाइप के साथ आँखों के आसपास अच्छे से क्लीन कर लेंगे, नेक भी क्लीन करेंगे ताकि जो भी डस्ट वगैरह है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो क्लीन हो जाए। उसके बाद हम रोज़ वाटर अप्लाई कर रहे हैं। टोनर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, गुड वाइब्स का रोज़ वाटर। उसे हम अच्छे से मर्ज होने देंगे स्किन पर, या आप 30 सेकेंड के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अभी समर सीज़न चल रहा है तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से मसाज दे दी है, क्योंकि इनकी थोड़ी हल्की स्किन ड्राई भी हो रखी थी। अगर आप चाहें तो मसाज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जेल बेस ही मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप क्रीम बेस्ड भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं एज पर योर स्किन टाइप। अगर आप मॉइस्चराइज़र की मसाज नहीं कर रहे हैं तो आप 10 to 15 सेकेंड पेनिट्रेट होने दीजिए मॉइस्चराइज़र को, देन उसके बाद आप प्राइमर एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र की मसाज कर दी है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाई बी का पोर मिनिमाइज़र प्राइमर। इसे हम अच्छे से अप्लाई कर देंगे फेस पे। इससे आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे एंड आपके जो ब्लर दिखेंगे आपके पोर्स। और उसके बाद इसे भी हम अच्छे से अप्लाई करने के बाद 10 to 15 सेकेंड पेनिट्रेट होने देंगे स्किन पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आइवरी शेड फ्रॉम क्राइलोन। इसे हम आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एज ए बेस। मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी। स्मॉल मिनी ब्लेंडर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एंड इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन उसके बाद मैं इसे लॉक करूँगी। आई बेस को लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट। हम आई बेस को अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि कोई भी क्रीज ना आए। देन उसके बाद हम आई शेडो की एप्लीकेशन करेंगे। आईज मेकअप स्टार्ट किया है मैंने लाइट ब्राउन शेड से। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड फ्लफी ब्रश। लाइट ब्राउन शेड को पहले मैंने क्रीज एरिया पर अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे पीच शेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी क्रीज एरिया पे काफ़ी अच्छी लगती है न्यूड मेकअप में। इसी तरह से हम सेकंड आई पर भी आई शेडो की एप्लीकेशन कर लेंगे। सेम मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड एंड इसे मैं क्रीज एरिया में पहले अप्लाई कर रही हूँ। एंड पैप में मैंने इसे आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करने के बाद क्रीज एरिया के साथ इसे अच्छे से मर्ज करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पर डार्क ब्राउन शेड। आउटर कॉर्नर को इन्हांस करने के लिए थोड़ी डेप्थ दिखाएंगे हम आईज़ में। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैं मिनी राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, स्मॉल राउंड ब्रश भी आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लाइटेस्ट ब्राउन शेड ली है एंड इसे हम इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रहे हैं। दोनों कलर्स को अच्छे से मर्ज कर लेंगे ताकि कोई भी लाइंस ना शो हो हमारी एप्लीकेशन में। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर ब्रोक बोन को हाईलाइट करने के लिए। लाइट ब्राउन शिमर शेड मैंने इनर कॉर्नर पर अप्लाई की है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ टियर डक को हाईलाइट करने के लिए मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लैक जेल आईलाइनर। इसे हम लैश लाइन पर ही अप्लाई करेंगे। थिन आईलाइनर हम अप्लाई करेंगे और मैंने यहाँ पर विंग भी नहीं निकाली है। जैसा क्लाइंट को चाहिए था वैसा ही मैंने थिन आईलाइनर अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा की एप्लीकेशन हम अच्छे से कर देंगे क्योंकि इनके हम लैश अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैंने 2 कोट मस्कारा के अप्लाई किए हैं। एक मैंने ड्राई होने के बाद 10 सेकेंड होल्ड किया था, फिर उसके बाद मैंने सेकेंड एप्लीकेशन की है मस्कारा की। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पीच कलर करेक्टर फ्रॉम क्राइलोन। जहाँ पर इनकी अनइवन स्किन टोन है या डार्क टोन है वहाँ पर हम इसे अप्लाई कर लेंगे। जैसे इनके माउथ एरिया के पास थी एंड फोरहेड के पास थी और इनका एक बर्थ मार्क था नेक पर, वहाँ पर हम इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने कलर करेक्टर अप्लाई किया है वहीं पर ब्लेंड हो, पूरे फेस पर इसे नहीं ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो आपका जो फाउंडेशन है या बेस है वो बाद में ग्रे पड़ सकता है। क्योंकि आपकी जो कलर करेक्शन की एप्लीकेशन है वहीं अगर सही नहीं होगी तो आपका जो बेस है वो बाद में ग्रे हो सकता है। यहाँ पर मैंने इनका बर्थ मार्क हाइड कर दिया है। हाइड करने के बाद उसे भी हम पीच कलर करेक्टर से ही यूज़ किया है। उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद अभी बारी है न्यूट्रलाइजिंग करने की। न्यूट्रलाइजिंग के लिए मैं
यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ FS27 फ्रॉम क्राइलॉन, इनकी शेड से टू शेड डार्क में यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमने कलर करेक्टर अप्लाई किया था वहीं पर इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग करते समय इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमने नीचे कलर करेक्टर अप्लाई किया है वो ना हट जाए। इसकी एप्लीकेशन आपको बहुत ही ध्यान से करनी है ब्लेंडिंग की। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। फ्लैट ब्रश के साथ मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन। मेबलिन सुपरस्टे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। हैंड पर मैंने इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लिया था, एक्टिवेट कर लिया था प्रोडक्ट को, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर फेस पर अप्लाई किया है इसे। अप्लाई करने के बाद हम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फाउंडेशन की एप्लीकेशन के बाद हम बेस को लॉक करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ब्रश की हेल्प से ही मैं यहाँ पर बेस को लॉक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बेकिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ही आप बेस लॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट। अच्छे से हम बेस को सेट कर लेंगे। बेस को सेट करने के बाद नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोर। नोज़ को कॉन्टोर करेंगे। नोज़ को कॉन्टोर करने के बाद मैंने यहाँ पर डबल चिन को कॉन्टोर किया है एंड देन चिक्स को कॉन्टोर किया है। यहाँ पर मैंने क्रीम कॉन्टोर नहीं यूज़ किया है क्योंकि क्लाइंट को हैवी बेस नहीं चाहिए था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बेस रेडी किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लशर। ब्लशर भी मैंने यहाँ पर पीच कलर यूज़ किया है। ब्लशर एप्लीकेशन के बाद अब हम हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटर और ब्लश पैलेट मैंने यूज़ की है फ्रॉम स्विस ब्यूटी। चिक बोन को हम हाईलाइट करेंगे, ब्रिज ऑफ द नोज़ को, चिन को और फोरहेड और क्यूपिड्स बो अच्छे से हम हाईलाइट कर लेंगे। हाइलाइटर एप्लीकेशन के बाद अभी हम लोअर लैश पर वर्क करेंगे। पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डार्क ब्राउन शेड जो हमने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया था एंड उसे हमने ब्लेंडिंग दी है लाइट ब्राउन शेड से। काजल इन्होंने अप्लाई नहीं किया था। सो अभी नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ब्रो बोन को डिफाइन करेंगे। ब्रो बोन को डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का जेल प्रोमेड। स्पूली की हेल्प से पहले हम आईब्रो को कॉम कर लेंगे, देन हम डिफ़ाइन करेंगे आईब्रो को। इनके आईब्रो को ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने जस्ट यहाँ पर फिनिशिंग ही दी है आईब्रोज़ को। तो अभी बारी है लिपस्टिक एप्लीकेशन की। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट में से रेड शेड। न्यूड शेड मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनकी आईज़ और बेस न्यूड थे और इनके ड्रेस के साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट करके रेड लिपस्टिक यूज़ की है जो कि इनके बेस और आईज़ के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। इसके बाद इनकी लुक काफ़ी इन्हांस हुई थी। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से एप्लीकेशन कर रही हूँ। लिप लाइनर भी मैंने यूज़ नहीं किया है। मेकअप कंप्लीट होने के बाद अभी हम इनका हेयर डू करेंगे। इनको हेयर डू में कुछ भी ज़्यादा नहीं करवाना था, सिंपल आयरनिंग ही करवानी थी। तो अभी मैंने पहले टैंगल फ्री कर लिए हैं हेयर। टैंगल फ्री करने के बाद मैंने यहाँ पर पार्टीशन कर ली है। सेंटर पार्टीशन नहीं करवानी थी इनको, साइड पार्टीशन ही रखनी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पार्टीशन कर ली है। पार्टीशन करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट आयरनिंग। उससे हम इनके हेयर को स्ट्रेट कर देंगे। बैक से स्टार्ट किया है मैंने हेयर स्ट्रेट करना। वन बाय वन सेक्शन लेते हुए हम स्ट्रेट करेंगे हेयर को। अच्छे से स्ट्रेटनिंग होनी चाहिए। इनके काफ़ी बाल पहले ही स्ट्रेट थे तो मैंने फिनिशिंग दे दी है स्ट्रेटनिंग करके। Thank you.
का फाइनल लुक। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच।